हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। इस प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी के बारे में। इस यूनिट में टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ 13th टॉपिक ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन पार्ट 11 के बारे में। फ्रेंड्स, कंटेंट एट ए ग्लांस में आप पढ़ेंगे कि नेगेटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन अ बायोटिक कम्युनिटी। तो बायोटिक कम्युनिटी किसे कहते हैं साथियों? कॉमन एनवायरमेंट में जो भी एक्टिवली इंटरेक्टिंग ग्रुप होता है डिफरेंट पॉपुलेशन के स्पीशीज का, तो उसे बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। और देखेंगे यहाँ पर कि नेगेटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन में इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा है प्रेडिटेशन। प्रेडिटेशन में प्रेडिटर को फायदा होता है, प्लस साइन से इंडिकेट किया जाता है, और प्रे को नुकसान होता है माइनस साइन से, यानी कि माइनस साइन उसे डिटरमेंटल कहते हैं। दूसरा नेगेटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन है कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों स्पीशीज को नुकसान होता है, यानी कि दोनों भी स्पीशीज ये डिटरमेंटल होती है ऑर्गेनिजम्स। और इस पार्ट 11 में पढ़ेंगे पैरासिटिज्म। दोस्तों, पैरासिटिज्म में पैरासाइट जो होता है तो उसे फायदा होता है और होस्ट को नुकसान, यानी कि होस्ट डिटरमेंटल होता है। साथियों, नीट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये नेगेटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन बायोटिक कम्युनिटी। माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। तो पढ़ेंगे पैरासिटिज्म। यहाँ पर देखिए कि पैरासिटिज्म में पैरासाइट जो होता है उसे पॉजिटिव प्लस साइन से इंडिकेट किया जाता है, यानी कि पैरासाइट का फायदा, और होस्ट को नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया है तो होस्ट ये डिटरमेंटल होता है, होस्ट को नुकसान होता है। इसी की बात करेंगे कि कंसिडरिंग that the parasitic mode of life ensures free lodging and meals. यहाँ पर बात की है parasite की। parasite को host की body के अंदर free lodging मिलती है, मुफ्त में रहने को जगह मिलती है और भोजन भी मिलता है, meals यानी कि भोजन। It is not surprising that parasitism has evolved in so many taxonomic group, from plants to higher vertebrates. तो parasitism देखें यहाँ पर कि पैरासिटिज्म ऐसा इंट्रैक्शन है कि या पैरासिटिज्म ऐसा रिलेशनशिप है दो स्पीशीज के बीच में, ये स्पीशीज प्लांट की हो या एनिमल्स की, तो एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीशीज हार्म होती है या लॉस होता है दूसरी स्पीशीज का, मीन्स होस्ट को नुकसान होता है समटाइम्स विदाउट किलिंग द होस्ट ऑर्गेनिज्म। कई बार कई केसेस में होस्ट विदाउट किलिंग होता है। ये हुई बात पैरासिटिज्म की। नेक्स्ट देखेंगे कि मेनी पैरासाइट, कई पैरासाइट्स क्या होते हैं कि हैव इवॉल्व टू होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। कई पैरासाइट्स होस्ट स्पेसिफिक इवॉल्व होते हैं, विकसित होते हैं, यानी कि दे कैन पैरासाइट ओनली सिंगल स्पीसीज ऑफ होस्ट इन अ सच ए वे दैट बोथ होस्ट, ये होस्ट की साइज याद रखना यहाँ पर प्यारे दोस्तों, कि होस्ट हमेशा साइज में बड़ा होता है और पैरासाइट छोटा होता है। तो होस्ट स्पेसिफिक यानी कि होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व, एक साथ इवॉल्व होते हैं अगेंस्ट ईच अदर, तो इसकी ही यहाँ पर बात करेंगे। साथियों, कैसे को इवॉल्व होते हैं तो यहाँ पर समझेंगे कि इफ होस्ट यानी कि बड़ा साइज का होस्ट होता है और ये इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग और रेजिस्टिंग द पैरासाइट, पैरासाइट का प्रतिकार करने के लिए, पैरासाइट को रिजेक्ट करने के लिए होस्ट जो भी स्पीशीज होती है स्पेशल मैकेनिज्म उनके बॉडी के अंदर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। द पैरासाइट हैज टू इवॉल्व मैकेनिज्म टू काउंटरएक्ट एंड न्यूट्रलाइज देम इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीशीज। तो बात की है कि कई पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेशल मैकेनिज्म उनकी बॉडी के अंदर पैरासाइट को रिजेक्ट करने के लिए या रेजिस्ट करने के लिए पैरासाइट को मैकेनिज्म इवॉल्व करते हैं, और पैरासाइट भी काउंटरैक्ट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो भी पैरासाइट भी उनके सेम होस्ट स्पीशीज के अंदर रहने के लिए कई मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। तो ये हुई बात किसकी, पैरासाइट और होस्ट की। तो यहाँ पर कई पैरासाइट्स होते हैं, प्लांट भी पैरासाइट होते हैं, एनिमल्स भी पैरासाइट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पैरासाइट होते हैं, इसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि बात करेंगे कि इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफस्टाइल, पैरासाइट्स की जो भी लाइफस्टाइल होती है और तो पैरासाइट्स इवॉल्व करते हैं उनके बॉडी के अंदर क्या इवॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि स्पेशल एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट कौन से होते हैं। होस्ट के बॉडी के अंदर रहने के लिए कई पैरासाइट्स, सारे पैरासाइट्स कहेंगे, तो ये स्पेशल एडेप्टेशन या अनुकूलन उनके बॉडी के अंदर ये क्या करते हैं,
लाइफस्टाइल के अनुसार इवॉल्व करते हैं। तो कौन से होते हैं स्पेशल अडेप्टेशन? लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, तो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन का उन पैरासाइट्स की बॉडी के अंदर लॉस होता है। दूसरा अडेप्टेशन है प्रेजेंस ऑफ एडिजिव ऑर्गन्स, तो एडिजिव ऑर्गन्स कहे या सकर्स कहे, किस लिए? क्लिंग यानी कि चिपकने के लिए ऑन द होस्ट, होस्ट का जो भी आउटर सरफेस हो या इनर सरफेस हो बॉडी का, तो उसे क्लिंग करने के लिए कई पैरासाइट एडिजिव ऑर्गन्स या सकर्स डेवलप करते हैं। तो एडिजिव ऑर्गन्स यहाँ पर देखेंगे कि फाइलम प्लाटी हेलमेंटिस या फ्लैट वर्म कहेंगे या टेप वर्म्स कहेंगे, तो उनके फ्लैट वर्म या प्लाटी हेलमेंटिस या टेप वर्म हो, उनके बॉडी के अंदर ये होस्ट को क्लिंग करने के लिए, चिपकने के लिए सकर्स पाए जाते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये लिवर फ्लुक का डायग्राम है दोस्तों। ये लिवर फ्लुक को एडिजन करने के लिए, सॉरी सकिंग करने के लिए, क्लिंग करने के लिए ये सकर्स होते हैं। और सकर्स की जब बात करेंगे तो ये एनिलिड्स हो या फ्लैट वर्म हो या राउंड वर्म हो, तो यहाँ पर उन्हें उनके बॉडी के लिए ये सकर्स पाए जाते हैं। एडिजिव ऑर्गन फ्लैट वर्म और टेप वर्म में पाए जाते हैं, सकर्स एनिलिड्स में भी पाए जाते हैं, फ्लैट वर्म भी पाए जाते हैं और राउंड वर्म में भी पाए जाते हैं। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है ये। साथियों स्पेशल एडेप्टेशन की यहाँ पर बात चल रही है कि लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ये पैरासाइट्स को नहीं होती। और लास्ट देखेंगे कि पैरासाइट्स जो भी होते हैं उनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। तो ये स्पेशल एडेप्टेशन आपको ये बोर्ड की एग्जाम में भी पूछेंगे और नीट में भी आप ये चार जो भी स्पेशल एडेप्टेशन है पैरासाइट्स के याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे साथियों की बात करते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइट्स की बात करेंगे यहाँ पर। ये कॉम्प्लेक्स होती है, ये कैसी, ये कॉम्प्लेक्स होती है। इनमें इन्वॉल्व होता है वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। वो पैरासाइट को जीने के लिए एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट की जरूरत होती है या वेक्टर्स की जरूरत होती है। वेक्टर्स यानी कि कैरियर कहेंगे उसे। किस लिए? फैसिलेट द पैरासाइटेशन ऑफ इट्स अ प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट होना इन्हें, इनके लिए जरूरी होता है। तो एग्जाम्पल से यहाँ पर समझेंगे कि बात करते हैं द ह्यूमन लिवर फ्लूक। साथियों लिवर फ्लूक यहाँ पर आपने इसके पहले स्लाइड में भी देखा है लिवर फ्लूक की डायग्राम। लिवर फ्लूक ये पैरासाइटिक टर्मेटोड्स होते हैं। टर्मेटोड्स यानी कि फ्लैट वर्म्स। अंडर द फाइलम, कौन से फाइलम में आते हैं? प्लाटी हेलमेंटिस फाइलम। आपने नॉन कॉर्डेटिस में प्लाटी हेलमेंटिस, किंगडम एनिमालिया में पढ़ा है, तो प्लाटी हेलमेंटिस फाइलम है। और ये लिवर फ्लूक डिपेंड्स ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट। लिवर फ्लूक की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दोस्तों दो इंटरमीडिएट होस्ट की जरूरत होती है। तो कौन से दो इंटरमीडिएट लाइफ साइकिल लिवर फ्लूक को कंप्लीट करने के लिए होती है? पहला होस्ट है स्नेल्स, यानी कि ये फाइलम मोलुस्का का मेंबर है स्नेल्स, और दूसरा है फिश। तो ये दोनों इंटरमीडिएट, दो इंटरमीडिएट होस्ट लिवर फ्लूक की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जरूरी होते हैं। इस पिक्चर में देखिए कि पहला होस्ट है, फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है स्नेल, और दूसरा इंटरमीडिएट इमीडिएट है ये फिश। तो ये हुई बात है इंटरमीडिएट होस्ट की, लिवर फ्लूक की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं कि द मलेरियल पैरासाइट नीड। मलेरिया का पैरासाइट, आप जानते हैं कि ह्यूमन डिसीज में आपने पढ़ा है कि मलेरियल पैरासाइट्स को नीड्स होती है। प्लाज्मोडियम होता है मलेरियल पैरासाइट्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वॉल्वैक्स, ये स्पीशीज आपने पढ़ ली है। तो मलेरियल पैरासाइट को जरूरत होती है वेक्टर्स की। कौन सा वेक्टर्स होता है? मॉस्किटो। तो मॉस्किटो ये मलेरियल पैरासाइट स्प्रेड करता है टू अदर होस्ट यानी कि ह्यूमन को। नेक्स्ट बात करेंगे कि मेजॉरिटी द पैरासाइट हार्म द होस्ट। ये बहुत सारे पैरासाइट होस्ट को हार्म करते हैं। पैरासाइट के साइज से स्मॉल्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, और होस्ट की साइज बड़ी होती है, याद रखना। आगे क्या लिखा है कि मेजॉरिटी पैरासाइट में रिड्यूस द सर्वाइवल, यानी कि पैरासाइट होस्ट का सर्वाइवल यानी कि जीवन या होस्ट की ग्रोथ या होस्ट का रिप्रोडक्शन ये क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं ऑफ द होस्ट। और रिड्यूस द पॉपुलेशन डेंसिटी, ये होस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी भी पैरासाइट क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। ये भी लाइन महत्वपूर्ण है आपके लिए, याद रखे। ये क्या है कि लिवर फ्लूक की जब बात की है आपने, तो लिवर फ्लूक ये फाइलम प्लाटी हेलमेंटिस का मेंबर है।
लिवर फ्लूक की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो इंटरमीडिएट होस्ट की जरूरत होती है, स्नेल और फिश। आगे बात करेंगे कि ये पैरासाइट क्या करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण लाइन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखेंगे गौर से, यहाँ पर सुन ले या पढ़ ले मेरे दोस्तों, कि पैरासाइट माइट रेंडर द होस्ट, क्या करते हैं, होस्ट को रेंडर करते हैं, यानी कि मतलब क्या होता है, मोर वल्नरेबल टू प्रेडिटेशन बाय मेकिंग इट अ फिजिकली वीक। तो जब पैरासाइट होस्ट के बॉडी के अंदर जब रहते हैं तो होस्ट की बॉडी फिजिकली वीक बनाते हैं, और ये फिजिकली वीक बॉडी प्रेडिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कई फिजिकली वीक ये होस्ट जब बनता है तो कई दूसरे प्रेडिटर उसे क्या करेंगे, ये प्रे से मतलब रखेंगे, प्रेडिटर जो भी होते हैं, तो ये होस्ट को फिजिकली वीक बनाएंगे, उसका प्रेडिटेशन होगा। यही बात इस लाइन में कही है प्यारे दोस्तों। एनसीईआरटी बेहद ही आपको थिंकिंग करने के लिए लगाती है, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए एनसीईआरटी को। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि एनसीईआरटी ने दो क्वेश्चन आपके लिए पूछे है, कई सारे यूट्यूबर्स ने इसके जवाब नहीं दे दिए है आपको। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है कि डू यू बिलीव दैट एन आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट। क्या आप मानते हैं या विश्वास रखते हैं कि एक आइडियल पैरासाइट यानी कि आदर्श परजीवी कहेंगे, ये आइडियल पैरासाइट को होस्ट के भीतर बिना नुकसान पहुंचाए पनपने में या डेवलप होने के लिए पनपने में सक्षम होना चाहिए? फिर क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन से ऐसे पूरी तरह से हानिकारक पैरासाइट का इवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन है, तो इसका जवाब यहाँ पर देंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि देन व्हाई डिडंट नेचुरल सिलेक्शन लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ सच टोटली हार्मलेस पैरासाइट। तो ये दोनों सवालों का यहाँ पर जवाब देंगे कि आप जानते हैं प्यारे दोस्तों कि पैरासिटिज्म में वन स्पीसीज ऑफ द पार्टनर इज बेनिफिटेड, एक स्पीसीज को फायदा होता है, क्योंकि वो स्पीसीज रिसाइड आउटसाइड यानी कि आप एक्टो पैरासाइट कहेंगे या एंडो पैरासाइट ऑफ द बॉडी, होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं, और एक्टो हो या एंडो पैरासाइट हो उन्हें होस्ट के बॉडी से फ्री एकोमोडेशन मिलता है, मुफ्त में रहने को मिलता है और मुफ्त में खाना भी मिलता है फूड। वाइल होस्ट अफेक्ट ड्यू टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो जो भी होस्ट का मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, तो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में होस्ट का खाना बढ़ जाता है, ये पैरासाइट खा लेता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखेंगे साथियों, एक याद रखना कि पैरासाइट आर ऑलवेज हार्मफुल होते हैं। पहले क्वेश्चन है कि आंसर दिया यहाँ पर क्या देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, डू यू बिलीव दैट एन आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट। तो होस्ट को विदाउट हार्मिंग के लिए आइडियल पैरासाइट होता है क्या? तो यहाँ पर आंसर है कि देयर आर ऑर्गेनिजम्स व्हिच थ्राइव यानी कि फलना फूलना या ग्रोथ होना, ऐसे ऑर्गेनिज्म विद इन द होस्ट के बॉडी में, ये पैरासाइट की बात की है, पैरासाइट होस्ट के बॉडी के अंदर ये ग्रो होता है विदाउट हार्मिंग इट, होता है कैसा, बट दे आर नॉट कॉल्ड आइडियल पैरासाइट, कई ऐसे पैरासाइट से आगे देखेंगे कि ये टर्म जो आपको दी है कि ऐसा इंट्रैक्शन विदाउट हार्मिंग का पैरा यानी कि होस्ट को विदाउट हार्मिंग का जो भी इंट्रैक्शन होता है तो उसे कॉमेंसियलिज्म कहते हैं, यानी कि पैरासाइट्स को फायदा और ये होस्ट को कोई फायदा भी नहीं और नुकसान भी नहीं, तो आइडियल पैरासाइट कहेंगे क्या उसे? तो आइडियल पैरासाइट यहाँ पर एग्जांपल से समझेंगे कि कई बैक्टीरिया गट में रहते हैं, किनके गट में रहते हैं, ह्यूमंस के गट में रहते हैं, तो आप जानते हैं कि ह्यूमन के गट में कई पैरासाइट्स, ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि ह्यूमन के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, ये आइडियल पैरासाइट होते हैं। साथियों आगे आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई डिडंट नेचुरल सिलेक्शन लीड टू इवोल्यूशन सच टोटली हार्मलेस पैरासाइट। तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया एक्चुअली हार्मलेस पैरासाइट है, तो क्या कहेंगे उसे? तो बात की है यहाँ कैसे, यू कैन से दैट नेचुरल सिलेक्शन हैज इंडीड वास्तव में लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नॉट हार्मफुल टू देयर होस्ट। तो ये ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलिया, दूध में पाए जाने वाली बैक्टीरिया, आप तो दूध या मिल्क कंज्यूम करते हैं, उनमें लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया होते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया डाइजेशन को हेल्प करते हैं, तो ये हार्मफुल नहीं होते। लेकिन यहाँ पर बात की है कि
ये हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन दे वोंट बी कॉल्ड आइडियल पैरासाइट, उन्हें आइडियल पैरासाइट नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आंसर दिया है कि नेचर ने सेलेक्ट किया है उन्हें वास्तव में इवोल्यूशन के दौरान ऑर्गेनिजम्स के, तो ये हार्मफुल नहीं हो सकते उनके होस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिया है कि इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में लैक्टोबैसिलिया हो या ई कोलाई बैक्टीरिया हो, ये हार्मफुल नहीं होते, लेकिन उन्हें आइडियल पैरासाइट नहीं कहेंगे। याद रखना, आइडियल पैरासाइट नहीं कहेंगे, नेचर ने उन्हें सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस, किसी भी प्लांट हो या एनिमल के सरफेस पर, बॉडी के सरफेस पर, एक्सटर्नल सरफेस पर, होस्ट के, होस्ट यानी कि प्लांट और एनिमल ऑर्गेनिज्म, तो होस्ट के आउटर सरफेस को, सरफेस पर जो भी पैरासाइट होते हैं उन्हें एक्टो पैरासाइट्स कहते हैं। एक्टो यानी कि बाहर। एक्टो पैरासाइट्स कौन से होते हैं, तो द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल की यहाँ पर मेरे साथियों बात करेंगे एक्टो पैरासाइट के एग्जाम्पल की। आपको मालूम है लाइस, कहाँ पर, ह्यूमन पर लाइस होती है। यहाँ पर देखिए कि आपके बॉलम में कई बार ये हेड लाउस होती है, उसे ये लाउस एग्स के नीड्स भी पाए जाते हैं, तो ये एक्टो पैरासाइट से। एंड ट्रिक्स ऑन डॉग्स, यहाँ पर देखिए कि ये टिक्स, ये सॉरी ट्रिक्स बोला है मैंने, टिक्स बोलेंगे अभी प्यारे दोस्तों, टिक्स ऑन डॉग, यहाँ पर ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये टिक्स होती है, ये एक्टो पैरासाइट की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करेंगे कि मेनी मराइन फिशेस, कौन से मराइन फिशेस, ये इन्फेस्टेड होते हैं, ये बाधित होते हैं विद एक्टो पैरासाइट। कौन सा मराइन फिशेस पर एक्टो पैरासाइट होता है, कोपपॉड्स होते हैं। तो पहले दोस्तों ये कोपपॉड्स आपको कई बार नीट में नहीं पूछ लिया है अभी तक, ये एक्टो पैरासाइट कोपपॉड्स क्या होते हैं। कोपपॉड्स ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर है, स्मॉल क्रस्टेशियंस फाउंड इन फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं ये कोपपॉड्स। कोपॉड्स कैन मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फिश लार्वी, फिश के जो भी लार्वी होती है छोटे छोटे अंडे से निकलने वाली, तो ये छोटी लार्वी कोपॉड्स को खाती है, और कोपॉड्स इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, ये कोपॉड्स बेहद ही इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकली, तो ये भी कोपॉड्स मराइन फिशेज के बॉडी के सर्फेस पर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर फिशेज के बॉडी के सर्फेस पर भी पाए जाते हैं, तो ये एक्टो पैरासाइट है फिश के लिए। साथियों ये देखिए यहाँ पर आपको कोपॉड्स के पिक्चर दिए है, फोटोग्राफ दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे कि दोस्तों कस्क्यूटा, ये प्लांट का एग्जांपल है, आप जानते हैं कि कस्क्यूटा ये रूट पैरासाइटिक प्लांट होता है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स हो या एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो, उनके बॉडी के प्लांट के शरीर पर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के शरीर पर ये कस्क्यूटा प्लांट ये ग्रो होता है, उसे कॉमनली फाउंड ऑन अ हेज प्लांट। देखिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं बाड़ या हेज प्लांट कहेंगे, ये कटिंग करने वाली हेज प्लांट को कटिंग करने वाले मिला है, ये बाड़ के लिए ये हेज प्लांट यूजफुल होते हैं। और ये कस्क्यूटा हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल, ये कस्क्यूटा येलोइश कलर का आपको दिखाई दे रहा है, और ये क्लोरोफिल इनके बॉडी के अंदर नहीं होते, लूज भी नहीं होते इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। देखिए तो कस्क्यूटा प्लांट ये पैरासाइटिक प्लांट है, वाइंड अराउंड करता है प्लांट के प्लांट पर, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट को, और पेनिट्रेट करता है होस्ट स्टेम को, जो भी होस्ट स्टेम होता है ये वाया यानी कि होस्टोरिया होता है, स्पेशल मैकेनिज्म होता है, फॉर्मिंग अ डायरेक्ट कनेक्शन टू द वैस्कुलर बंडल। देखिए आपको ये कस्क्यूटा प्लांट येलोइश वायरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इन्हें होस्टोरिया होते हैं, और ये होस्टोरिया जो भी होस्ट प्लांट होता है, होस्ट प्लांट के वैस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम, ये होस्ट प्लांट से जाइलम और फ्लोएम से क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। क्या विड्रॉ करते हैं होस्ट प्लांट से, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स और कई सोल्यूट्स, और इससे ये कस्क्यूटा प्लांट ये क्या करता है, ये पैरासाइटिक प्लांट उनका जीवन चक्र चलाता है, दैट इज द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। और ये कस्क्यूटा प्लांट डिराइव्स करता है इट्स न्यूट्रिशन, उनका खाना डिराइव करता है कैसे, फ्रॉम द होस्ट प्लांट के स्टेम से। आप जानते हैं स्टेम को जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम कंडक्ट द वाटर, फ्लोएम कंडक्ट द मिनरल्स, आप जानते हैं विच पैरासाइट्स, विच इट अ पैरासाइट यानी कि कस्क्यूटा पैरासाइट्स होता है। देखिए यहाँ पर आपको फेज प्लांट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे आप होस्टोरिया की, जब बात करेंगे तो होस्टोरिया अगेन देखेंगे कि ये डिराइव करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट स्टेम से।
which it is a parasites. ये कस्टूटा पैरासाइटिक प्लांट है. दोस्तों बात करेंगे आगे कि एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर द फीमेल मॉस्किटो. ये देखिए फीमेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो एनाफिलिस कहेंगे, दैट इज नॉट कंसिडर एज ए पैरासाइट. या ये कभी भी गलती नहीं करना कि फीमेल मॉस्किटो पैरासाइट नहीं होती. ऑल दो इट नीड आवर ब्लड, ह्यूमन का ब्लड ये चूस लेती है ह्यूमन को बाइट करके. फॉर किस लिए बाइट करती है? रिप्रोडक्शन के लिए. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? एनसीईआरटी ने आपके लिए क्वेश्चन पूछ लिया है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फीमेल मॉस्किटो नॉट कंसिडर एज ए पैरासाइट ऑल दो इट नीड्स आवर ब्लड, रिप्रोडक्शन के लिए उसे ब्लड होना चाहिए, ये पैरासाइट नहीं, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? प्यारे दोस्तों कि फीमेल मॉस्किटो ये एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करती है ह्यूमंस को, आप जानते हैं आपको भी कभी ये मलेरिया होगा होगा. सो फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करती है सो दैट इट कैन नरिश, ये नरिश करती है. क्यों बाइट करती है? आपका ब्लड ये चूस लेती है. किस लिए? नरिश द डेवलपिंग फर्टाइल एग. ये फीमेल मॉस्किटो के बॉडी के अंदर जो भी फर्टिलाइज्ड एग होते हैं ये फर्टिलाइज्ड एग क्या करते हैं? डेवलप करने के लिए आपका ब्लड होना जरूरी है, क्योंकि ये आपके ब्लड के अंदर, ह्यूमन के ब्लड के अंदर ये ब्लड जो भी होता है उनमें क्या होता है? एनर्जी होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, आयरन भी होता है, और एग्स उसे क्या करते हैं? डेवलप होते हैं. यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है अडल्ट मॉस्किटो, ये बाइट कर रही है, और ये एनाफिलस फीमेल मॉस्किटो है, और ये फीमेल मॉस्किटो से क्या होता है? एग्स डेवलप होते हैं, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से पुपा बनता है, अगेन ये फीमेल मॉस्किटो प्रोड्यूस होती है. यहाँ पर ये हुई बात इसकी. नेक्स्ट बात करेंगे साथियों कि इनके कॉन्ट्रास्ट में, पहले आपने बात की है कि एक्टोपैरासाइट की, यहाँ पर पढ़ेंगे इंडो पैरासाइट. इंडो यानी कि इनसाइड द बॉडी. कौन से होते हैं इंडो पैरासाइट? राउंड वर्म्स होते हैं, हुक वर्म्स होते हैं, टेप वर्म्स भी होते हैं, कई प्रोटोजोआ पैरासाइट भी होते हैं. कैसे? एंटो अमीबा हिस्टोलिटिका आपको डिसेंट्री प्रोड्यूस करती है, और दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट के बॉडी के अंदर डिफरेंट साइट्स पर रहते हैं. ये एंडो पैरासाइट कहाँ कहाँ आपके ह्यूमन के या होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं? लीवर में भी पाए जाते हैं, यहाँ पर आपको पिक्चर दिया है लीवर का. किडनी भी पाई जाती है, ये देखिए कि ह्यूमन की किडनी में पाई जाती है. लंग्स में भी पाई जाती है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स में भी पाई जाती है. साथियों याद रखना, बेहद ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ यहाँ पर. और द लाइफ साइकिल ऑफ एंडो पैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि अब देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होते हैं. कई यहाँ पर बात की है कि लाइफ साइकिल, एंडो पैरासाइट की लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होती है, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन. कैसे? तो ये पैरासाइट मॉर्फोलॉजिकल यानी कि बाहर से एक्सटर्नल फीचर कहेंगे, एनाटॉमिकल यानी कि इंटरनल फीचर्स कहेंगे, ये कैसे सिंप्लीफाइड होती है, और एम्फेसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. तो पैरासाइट के रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ये ज्यादा होते हैं. फ्रेंड्स आपने अभी तक पढ़ लिया है कि पैरासिटिज्म में पैरासाइट्स जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, पैरासाइट्स में कोई इवोल्यूशन होता है, और स्पेशल एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट ये भी आपने पढ़ लिया है, और हाउ पैरासाइट हार्म टू होस्ट ये भी, इसके बारे में भी जान लिया है. पैरासाइट के टाइप्स, एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट की भी बात की है. तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि कंसेप्ट ऑफ पैरासाइट या उसे पैरासिटिज्म कहेंगे. साथियों पैरासाइट या पैरासिटिज्म शुड फॉलो थ्री क्राइटेरिया. तो पैरासाइट ने तीन क्राइटेरिया फॉलो करने चाहिए. कौन से? पहला क्राइटेरिया है तो पैरासाइट ने फूड शुड टेक फ्रॉम द होस्ट. पैरासाइट ने होस्ट के बॉडी के अंदर का या बाहर का फूड लेना चाहिए, और पैरासाइट जो होता है तो उन्हें उसे शेल्टर फ्रॉम होस्ट लेना चाहिए. इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन ये तीसरा क्राइटेरिया है, और ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज होनी चाहिए. सो दीज आर द थ्री क्राइटेरिया ऑफ पैरासिटिज्म और पैरासाइट्स. तो देखेंगे कि इसे जब पैरासाइट को आप अप्लाई करेंगे कैसे. इज अ मॉस्किटो इज अ पैरासाइट. तो यहाँ पर देखिए कि मॉस्किटो पैरासाइट है क्या? मॉस्किटो पैरासाइट है, तो इसका आंसर आएगा कि नहीं, ये मॉस्किटो पैरासाइट नहीं, ये वेक्टर होता है. प्लाज्मोडियम जो भी मलेरियल पैरासाइट होता है, ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन को बाइट करके ये छोड़ देता है ह्यूमन की बॉडी में. तो देखिए मॉस्किटो पैरासाइट कैसा नहीं है, कैसे नहीं है. मॉस्किटो टेक ओनली फूड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी टू नरिश द डेवलपिंग फर्टाइल एग्स, ये भी आपने पढ़ लिया है. एंड गो अवे, ये भाग जाता है ये आपको ये बाइट करके. गो अवे बट नॉट टेक शेल्टर ऑफ ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी का शेल्टर मॉस्किटो नहीं लेता, इसलिए ये मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है.
दूसरे पिक्चर में देखेंगे कि इज अ फीटस इन वॉम्ब इज अ पैरासाइट, ये माँ के बच्चे में जो भी पेट के अंदर या वॉम्ब के अंदर यूटेरस के अंदर जो भी बच्चा डेवलप हो रहा है तो ये पैरासाइट है। तो क्या कहेंगे, कैसे ये पैरासिटिज्म हो सकता है क्या? नहीं, नॉट एट ऑल कहेंगे। इन दिस केस देयर इज अ क्या है कि इन दिस केस देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। ये माँ के बच्चे के पेट के अंदर दो स्पीसीज नहीं है, दो स्पीसीज का इंटरेक्शन नहीं है। This is the interaction between same species. इसलिए fetus in the womb is a parasite. निश्चित आपको ये नीट में पूछ सकते हैं, इसलिए ये आपको यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे पैरासिटिज्म की, तो ब्रूड पैरासिटिज्म, ये नेगेटिव इंट्रेक्शन का आखिरी पैरासिटिज्म है ब्रूड पैरासिटिज्म। मित्रों, ब्रूड पैरासिटिज्म किसे कहते हैं? तो ब्रूड का मतलब क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग, यानी कि वो चिल्ड्रंस होता है। देखिए कि इन बर्ड्स की बात करेंगे यहाँ, इन बर्ड्स ए फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच द पैरासाइटिक बर्ड ले इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड लेट्स द होस्ट इनक्यूबेट देम। क्या होता है, एग्जांपल से इसी चर्चा करेंगे कि पैरासाइटिक बर्ड क्या करता है, लेज करता है पैरासाइट उसके एग्स नेस्ट ऑफ द होस्ट, होस्ट के नेस्ट में ये लेज करते हैं एग्स और ये लेट्स द होस्ट इनक्यूबेट देम। यहाँ पर होस्ट जो होता है तो इनक्यूबेट करता है एग्स को। कैसे, यहाँ पर एक बात की है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन के दौरान एग्स ऑफ द पैरासाइटिक बर्ड्स के जो एग्स होते हैं वो भी इवॉल्व हुए हैं। कैसे, सेम या रिजेंबल, एक समान इवॉल्व हुए हैं होस्ट एग्स, होस्ट की एग्स जैसे किसमें होते हैं, साइज में सेम होते हैं पैरासाइट के बर्ड एग्स और होस्ट के एग्स, कलर भी सेम होता है दोनों का, पैरासाइट के एग्स का भी कलर सेम होता है, होस्ट के एग्स का भी कलर सेम होता है, साइज और कलर से सेम है। किस लिए ये होता है इवोल्यूशन के दौरान, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड, होस्ट बर्ड ने डिटेक्ट करना नहीं चाहिए उस पैरासाइट के एग्स को। पैरासाइट के एग्स तो फॉरेन एग्स होते हैं एंड इजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट, लेकिन होस्ट उस एग्स को इजेक्ट भी नहीं करता क्योंकि उनकी एग्स की साइज पैरासाइट की और होस्ट के एग्स की साइज और कलर सेम होता है, रिजेंबल होता है। दोस्तों बात करते हैं, आगे बात करेंगे कि ये यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया है, कैसे देखिए यहाँ पर कि कुको यानी कि कोयल कहते हैं और दूसरा है क्रो। तो क्रो, कुको ये पैरासाइटिक बर्ड है और क्रो ये होस्ट है, क्रो के नेस्ट, ये यहाँ पर देखिए नेस्ट है क्रो का और यहाँ पर एग्स ले 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 करके कुको ने ये आपका ये भाग गई है, इसके क्रो के नेस्ट में एग्स ले किए है कुको ने। कुको तो पैरासाइटिक बर्ड है और ये क्रो ये होस्ट बर्ड है और ये क्रो क्या करता है कि पूरे हैच कर देता है इस एग्स को। तो जानेंगे यहाँ कि जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं कुको के तो ये शो करते हैं एक्चुअली पैरासिटिज्म। आपको एग्जाम में पूछेंगे नीट में कि एक्चुअल पैरासिटिज्म कौन शो करता है, तो निश्चित रूप से ऑफस्प्रिंग ऑफ कुको यानी कि चिल्ड्रंस ऑफ कुको शो करते हैं पैरासिटिज्म। क्या करते हैं ये ऑफस्प्रिंग ऑफ कुको, दे टेक अ फूड लेते हैं और यहाँ पर दिया है कि ये शेल्टर, ये एक देखिए यहाँ थोड़ी सी भूल हुई, शेल्टर फ्रॉम द क्रोज नेस्ट। तो एक्चुअली ऑफस्प्रिंग ऑफ कुको ये एक्चुअली पैरासिटिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, आपको एक प्रोजेक्ट की बात की है एनसीईआरटी ने, ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट्स ऑफ कुको, कोयल के मूवमेंट्स आपको जो भी फॉलो करनी है कहाँ, एंड क्रो दोनों के भी, कुको के कोयल के और कौवे के, इन योर नेबरहुड पार्क, जो भी आपके घर के बाजू या कॉलेज हो या गार्डन में जाकर आपने देखना चाहिए मूवमेंट्स किसके, कोको की और कोयल की ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन में। तो इनका क्रो और कोको का ब्रीडिंग सीजन सेम होता है स्प्रिंग टू समर के बीच में, एंड आपको देखना है वॉच ब्रूड पैरासिटिज्म इन एक्शन। तो ये हुई बात ब्रूड पैरासिटिज्म की। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉप करते हैं इस वीडियो को, आप अंत देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।